स्पेशली मेरे फादर का ये सोचना था कि इलिटरेसी इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा यू नो डिसेबिलिटी। आई रिसेंटली वॉन्ट माई रेक्स करमवीर चक्र, इधर उधर मिलेंगे जब आप में अंदर टैलेंट होगा, ये मेरा सोच। हाँ जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप अच्छे होंगे। अच्छे ही चाहिए, पर मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। ये मेरी जर्नी है जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, आपके सामने बताने वाला हूँ, जो शायद बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग भी हो सकती है और बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग नहीं भी हो सकती। शुरुआत अगर मैं करूँ अपने बचपन से, यू नो माई अर्लियर डेज, जो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। बींग अ डिसेबल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा एज अ लाइफ, क्योंकि बचपन में इतने ज़्यादा मेरे यू नो ऑपरेशंस हुए, इतने ज़्यादा यू नो मुझे पेन से, वो इमेंस पेन से गुजरना पड़ा, इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा ऑपरेशन से, यू नो मेंटल हेल्थ तो कहीं नहीं वहाँ पे काउंट होती, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अगर यू नो हर कोई ठीक करने के लिए ही यू नो कोशिश करता है। वेल, अगर आप मेरे चाइल्डहुड की बात करें तो यार मेरा चाइल्डहुड इस तरह का था, जैसे आप मानो कि एक तरह से आई वॉज वेरी होमली काइंड ऑफ पर्सन, मतलब बच्चा जो है ना घर में ही अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मतलब सिबलिंग के साथ ही रहता था। जैसे मैं हूँ, जैसे आई एम फिजिकली चैलेंज, तो ऐसे ज़्यादातर नहीं होते फ्रेंड्स, पर हाँ, बट ये था कि उनके साथ इतना खुश रहता था कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर हाँ, जो मेरी उम्र के थे, जैसे मेरे नेबर्स के थे, आ जाते थे, आके मेरे पास बैठ जाते थे, बट उनके लिए थोड़ा सा मैं अलग था, अलग यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अलग मीन डिफरेंट था, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं था। तो मुझे एक बार की एक कहानी याद है, मेरी नेबर्स की लाइक दो सिस्टर्स आती थी, मतलब कज़न थी उनकी जो नेबर्स की, वो मेरे से खेलती थी, दे यूज़ टू प्ले विद मी अ लॉट, मतलब जितनी देर वो कर सकती थी वो करती थी, बट कहते ना एक पॉइंट पे आके उनका भी वो सब्र टूट जाता, अरे यार ये कहाँ ये आउटडोर गेम हमारे साथ खेलेगा। तो क्या होता था, तीसरे घर में, सेकेंड या थर्ड घर में नेबर में बच्चे खेल रहे होते थे, तो उनका जो जो है ना माइंड जो था होता था ना, जो उनका मन जो था वहाँ ज़्यादा जाता था, रादर देन की यू नो मेरे साथ खेलना। तो मुझे याद है एक बार वो जो आई थी वो मेरे से बोल रही थी कि यार चीनू, मेरा ना घर का नाम चीनू है, तो यार चीनू अब ना बहुत देर हो गई है, हमको ना वहाँ भी जाना है, वो हमारी फ्रेंड है, हमें उधर खेलना है। हमने नहीं, थोड़ी देर मेरे साथ और खेलो ना। मैंने क्या किया, नहीं नहीं तू कोई बात नहीं, हम कल भी आ जाएंगे ना, हम तो अभी यहीं है ना। अब अपने सिस्टर का है ना, हम कल भी यहीं ना, हाँ हाँ हम कल भी यहीं हैं। तो ऐसे बात करके देन फिर वो चली जाती थी, मेरे को यू नो अकेला, लाइक आई यूज टू फील वेरी अलोन, कि यार मैं खेल रहे थे, एक पॉइंट पे मैंने ऐसा क्या किया, वो सब मुझे बड़ा फील होता था कि यानी चले गए मुझे छोड़ के, ऐसा क्या किया मैंने, मतलब वो अपने आप से मैं क्वेश्चनिंग बहुत करता था मैं उस टाइम पे। बट ठीक है, बट समहाउ आई मैनेज, मैं घर पे ही अपने आप अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेता था, तो फिर बात भूल जाता था बाद में, बट उस टाइम पे बहुत फील होता था ये बातें, ये लाइक जस्ट बिकॉज मैं उनकी तरह नॉर्मल नहीं हूँ तो यू नो आप मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओ। ये ऐसा नहीं हुआ, ये मेरे साथ कई बार हुआ, मेरे पेरेंट्स ने कई बार चाइल्डहुड फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करी मेरी, बट अब मैं नहीं कह सकता कि मेरे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बिकॉज आई डोंट हैव, बहुत मतलब अब वो बहुत बड़े हो गए हैं, अब वो अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए, अब उनके पास मेरे लिए अब टाइम नहीं है। बट तो क्या हुआ, हम अपने लिए बहुत हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेरेब्रल पॉल्सी, देखिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, पर मैं मेरे साथ है तो ये बहुत तरह की होती है, जहाँ तक मुझे पता है कि सेरेब्रल पॉल्सी कईयों को ब्रेन की वजह से भी होती है, बिकॉज ब्रेन अगर बाय बर्थ जब डेवलप नहीं होता तब बच्चे को ये दिक्कत होती है, स्पीच की दिक्कत होती है, अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है, ये सब मिला मनु के एक यू नो सेरेब्रल पॉल्सी है। पर मेरी सेरेब्रल पॉल्सी जो जहाँ तक आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे स्पीच में इतनी दिक्कत नहीं हुई, एंड आई थिंक नहीं हुई है, थैंक गॉड, बट मुझे मेरी बॉडी में दिक्कत आई है, मेरे बोन्स में दिक्कत आई है,
मेरे लेग्स में दिक्कत आई है, मेरे नीज में, है ना, तो इस वजह से बोन डिफॉर्मेशन काफ़ी हुई है मेरी बॉडी में, तो काफ़ी डिफॉर्म लेग्स थे, हैं मेरे, थे नहीं हैं, एंड कभी इस राइट टांग में प्लास्टर, कभी लेफ्ट टांग में मेरा प्लास्टर, तो साइड बाय साइड ये सब चीज़ें चलती रहती थी। एक डेढ़ साल हो गया इस चीज़ को करते करते, एंड जब मैं लाइक आई वॉज बॉर्न, तो मेरी फैमिली का रिएक्शन अगर आप पूछें तो मुझे मेरी जो मम्मी है, लाइक मेरी मामी वगैरह में बताती हैं कि जब तू पैदा हुआ था तो मैंने तुझे अपने गोद में लिया था, एंड जब फिर डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा, देखिए भाई कुछ ही इज़ नॉट नॉर्मल, बट लेट्स सी अब क्या होता है, तो फिर उठा कर मतलब मेरी मॉम को थोड़ा बाद में बताया, मेरे पापा ने बताया, फिर गए, फिर बोला कि ठीक ठाक है, हो गया है, बट कुछ दिक्कतें हैं उसके साथ, तो फिर समझाया मॉम को, थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगा होगा, क्योंकि यू नो लाइक आई वॉज द ओनली चाइल्ड जो अपनी तीन सिस्टर्स के बाद हुआ था, जो यू नो आई वॉज अ यंगर वन एंड आई वॉज बॉय, एंड सबको एक होता है कि यार बेटा हुआ है, तो एक एक्साइटमेंट होती है बहनों को, सबको, पूरी फैमिली वालों को, दादी को मेरी काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि यू नो लाइक बेटा हुआ है, यू नो एक होता ही है, जैसे लाइक बचपन में सारे आप जानते ही हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट हाँ वो सबको था, पर उनको इस रूप में मिलना था ऐसा बेटा, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, आई एम श्योर, बट हाँ समहाउ दे एक्सेप्टेड मी द वे आई एम, दे एक्सेप्टेड मी जैसा है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई वो नहीं है, हमें ये जो देवर लगे कि ये ब्लेसिंग्स हैं, ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, जो हमें मिला हम इसे, हमारे सिर मत थे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से मेरे घर वालों का मेरी तरफ एक प्यार था और एक सपोर्ट था, आई डोंट थिंक सो उनको कभी मैं इस चीज़ के लिए कभी भार लगाऊँ, आई डोंट थिंक सो। डॉक्टर्स ने बचपन में फिर मेरे साथ लाइक मेरे पेरेंट्स से यही कहा कि देखिए अब ये जैसा है ये है, आप इसके ऑपरेशन करवा कर आप क्यों इसकी ज़िंदगी वो कर रही हैं, क्यों इसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा यू नो स्ट्रेस में दे रहे हैं आप, ये आई थिंक अगर ये ऑपरेशन ही करवाने हैं तो ये आधी ज़िंदगी तो ये हॉस्पिटल में ही बिता देगा, कितना आप इसके ऑपरेशन कराओगे, इस पैर का फिर इसका फिर आप इसका लॉन्ग ऑपरेशन, आपको मतलब स्ट्रैटेजी अपनी रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं फिर डॉक्टर ने ये बोला कि देखिए ऐसा है, अब इसको आप इसकी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब मैं ऑपरेशन मेरे बच्चे में हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, एक तो छोटा भी था तो डॉक्टर ने कहा था ये इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं इतनी ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो मेरी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उन्होंने यही बोला था कि अभी रुक जाइए बाद में देख लीजिएगा कराना है तो, बट उन्होंने यही सजेशन दिया था मेरे पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये अभी बहुत ब्राइट चाइल्ड है, और जैसे ये रिस्पॉन्स करता है, जैसे उन्होंने मुझे देखा और मेरे टेस्ट वगैरह जब उन्होंने करे होंगे तब उन्होंने जाना होगा, तब उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन इसको एक हॉस्पिटल वाली ज़िंदगी दें। तो या तो मेरे क्योंकि ऑलरेडी दो साल एट साल आई थिंक मैं मिस कर चुका था अपनी लाइफ के स्कूल के, क्योंकि मैं अपनी जो साथ के बच्चों के साथ एक या दो साल आई थिंक मैं पीछे था, या तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक यू नो बैकवर्ड पढ़ाई में थोड़ा फील हुआ उस टाइम पे, थोड़ा मुझे दिक्कतें आई, बट हो गया, मतलब सबका इतना सपोर्ट मिला, आसपास के लोगों का इतना सपोर्ट मिला, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट दिक्कत तब आती है अगर मेरे पास सपोर्ट ना होता, या मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट ना करते, या मेरे यू नो आसपास का सोसाइटी सपोर्ट ना करती, कई लोगों ने बढ़ावा दिया जो जानते थे, मतलब जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे उनको पता था, बट कुछ ऐसे भी थे जो यू नो थोड़े से अजीब से ही थे,
जोकिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ में इतना ज़्यादा मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, यू नो आई वॉज वेरी बिजी विद ऑल दीज डॉक्टर्स का एक मैं एक्सपेरिमेंट का यू नो वो था, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना। अनबिलीव मी, मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली मेरे फादर का ये सोचना था कि इलिटरेसी इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा यू नो डिसेबिलिटी है। बाय बॉडी मैं डिसेबल तो हूँ ही, दैट वर्ड जो सोसाइटी नहीं यूज़ करना चाहती, बट दैट्स द रियलिटी। तो उन्होंने यही कहा कि बेटा सबसे ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी में जो वर्ड है ना इलिटरेसी, वो यू नो सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी से भी बड़ा है। एक अनपढ़ इंसान इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो मैं नहीं चाहता जो तेरे साथ हो। हाँ, अब वहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि आई एम अ किंग ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि शुरुआत से रिजेक्शन इतनी मिली है, तो अब मैं किंग ऑफ रिजेक्शन कह सकता हूँ अपने आप को। मुझे स्कूल वालों ने यू नो इग्नोर नहीं कहूँगा, उन्होंने रिजेक्ट मारा कि यार नहीं, हम नहीं ले सकते इस बच्चे को, मुश्किल है इस बच्चे के साथ हमारा सर्वाइवल। क्योंकि एक वो टाइम था जब यू नो अब तो खैर लॉ है, पर उस टाइम पे लॉ नहीं था, हम आपके बच्चे को नहीं ले सकते। जब लॉ नहीं था कि हम आपके बच्चे को ले, हम इसकी केयर नहीं कर पाएंगे, हम इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, ये हमारे बर्डन हो जाएगा। ऐसी भी काफ़ी स्कूलों ने जवाब दिया, फिर और आगे गया, फिर उन्होंने और बोला नहीं 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 हम नहीं ले पाएंगे, चलो ठीक है देख लेते हैं, पर आपको ना इसको ऊपर चढ़वाना पड़ेगा, सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर चढ़वा लेना, बाकी हम देख दे देंगे, बट आप सोच लीजिए। फिर कहीं ना कहीं जाके मुझे मेरे बड़ी मुश्किल से मुझे एक ग्राउंड फ्लोर पे कहीं स्कूल मिला जो था घर के पास था, बट वो भी कुछ ज़्यादा आगे चल नहीं पाया क्योंकि वही बंद हो गया। ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे स्कूल चेंज करे, देन फाइनली फिर एक स्कूल मिला जहाँ पे मैं अपनी यू नो कॉन्टिन्यूशन अपनी कर पाया अपनी एजुकेशन की। टिल द ट्वेल्थ मैंने वहाँ से कंप्लीट किया, जो एट स्कूल मेरा था वहाँ पे, यू नो वहाँ पे ऐसा फील नहीं होने दिया कि आप अलग हैं, वहाँ पे मुझे फील कराया गया यस यू आर द वन एंड वी लव यू वी एक्सेप्ट यू। तो ऐसे ऐसे करके मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, पर हाँ स्कूल जाना भी मेरे एक टास्क था, क्योंकि भाई स्कूल जाने के लिए आपको यू नो बस चाहिए, ऑल दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पर मुझे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक फ़ी चुकानी पड़ी, मेरे पेरेंट्स को भी दुगना दाम देना पड़ा, यू नो बीइंग यू नो एक ऐसे बच्चे को एजुकेशन करवाने के लिए, जो इंसान शायद महीने के 300-400 रुपए देता था अपने यू नो ऑटो या वैन वाले को, मेरे पेरेंट्स ने डबल दिया, बिकॉज मेरे को उठा के रखना भी तो था, अपने आप को यू नो उठवाना किसी से जो मुझे पसंद नहीं था, बट मेरे को तो उठवाना पड़ा क्योंकि आई वॉज हैवी, और उठा कर रखना एक बेंच पे रखना, एंड वहाँ पे भी एक अपना टास्क, मतलब मेरे लिए टास्क था कि सुबह से लेकर शाम, मतलब दोपहर तक 7-8 घंटा आपको एक यू नो बेंच पे बैठना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे? सुबह से शाम तक, दोपहर तक बच्चा पानी तो पीता है ना, पर मैं पानी कम पीता था बिकॉज मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। वो मेरे लिए अपने आप में एक टास्क था कि यार पानी कम पीना है कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, और था क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इतनी थी नहीं, मतलब यू नो कि कौन इसको वॉशरूम लेके जाएगा, कौन इसको क्या करेगा, इतना मिल रहा है ना उसने भी एडजस्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को इस तरह समझाया, अपने आप को अपनी बॉडी को अडाप्ट किया। एक बार मैं पीछे हो रहा था, पीछे मेरी फ्रेंड मुझे पीछे लेके जा रही थी क्योंकि बेंचेस पड़े थे और जगह नहीं थी, तो एक लड़का वहाँ बैठा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी भी जानता है मुझे, बट बैठा हुआ था साइड पे, और उसने मुझे टॉन्ट मारा, अरे इस मोटे का तो बैक गियर ही लगता है। तो आप जान सकते हैं कि स्कूल में भी कहीं ना कहीं आपको मोटा बोला था, क्या बोला था, आई रियली डोंट रिमेंबर, बट हाँ उसने यही बोला था कि अरे इसका तो बैक गियर ही लगता है। तो लाइक हंस रहे, मतलब यू नो जैसे एक दे ताली, समथिंग लाइक ऐसे ताली बज रही है, मतलब एक दूसरे पे ऐसे हंस रहे हैं। तो ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, एंड कभी कभार आपको ऐसे देख के आपको बड़ा अजीब सा लगता था कि आप मोटे हो, आप चबी हो, तो आपको लोग बड़े अजीब से देखेंगे, यार ये तो बड़ा मोटा है, ये तो बड़ा ही
यू नो लाइक इसका तो कैसे होएगा, इसका तो मतलब बड़ा बड़ा मुश्किल है, इसका तो मतलब मोटापा तो इसका कम कैसे करोगे, इसका कम कराओ, इसका ये करो, आप ये खाया करो, आप वो करा करो, आप ऐसे करा करो, आप वैसे करा करो, आप वैसे करा करो। तो इस टाइप का भी ऑफलाइन तो खैर इट्स वेरी नॉर्मल, तो सुनने में कभी इतना बुरा लगता है, बट ऑनलाइन जब आपके सामने जो कमेंट दिखते हैं मोटा हो गया है, ये हो गया है, वो गया है, तो दैट्स समथिंग रियली नॉर्मल भी नहीं कहूँगा, नॉट सो नॉर्मल, बट या विच वॉज जस्ट नहीं होना चाहिए, बट होता है, क्या करें, लोग नहीं सुनते। तो लाइक मेरा रूटीन ऐसा था, जब मॉर्निंग में यू नो लाइक सबको स्कूल जाना होता था, मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह मेरे को ट्रीट किया जाता था, सुबह 7 बजे उठा दिया जाता था, एंड क्योंकि 1 घंटा चाहिए होता था मुझे सब कुछ यू नो खाना सबको नहाना एंड ऑल दिस में। तो वैसे घर वाले सब आते थे, एक आ रहा है यू नो मेरे को मेरी हेल्प कर रहा है कि चल बाथरूम चल, अब तेरे को नहलाना है, खिलाना है, तो ऐसे ऐसे करके सब घर वाले मतलब एक मेरे को स्कूल भेजना एक मेरे लिए उनके लिए टास्क था कि इसको स्कूल भेजना है सुबह 7 से 8, क्योंकि मेरे को माफ़ था स्कूल से कि असेंबली अटेंड इट्स ओके, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, बट मेक श्योर ये अपने पीरियड जो इसके स्टार्ट होते हैं 8:30 से वो अटेंड करे फर्स्ट पीरियड, देन उसके बाद फिर वापस आना स्कूल से 2 बजे। ऑटो वाला जो मेरे को मेरे लिए लगाया हुआ था, वो ऑटो वाला मेरे को वहाँ पे स्कूल में छोड़ के आता था, वहाँ पे बेंच पे बैठाता था, बेंच से उठाकर मुझे ऑटो में बैठाता था, फिर घर लेके आता था, तो ना पीठ पे उठाया करते थे मुझे उस टाइम पे, आई स्मॉल तो मैं पीठ पे उठा ली जाता था, तो मुझे पीठ पे उठाया करके पीठ पे उठा के मुझे बेंच पे बैठाया जाता था। एंड आई थिंक बहुत से अगर मेरे फ्रेंड्स भी अगर ये देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि मैं स्कूल कैसे आता था। तो या मतलब फिर सबको फैसिनेटिंग सा होता है, अरे कौन है कौन है कौन है कौन है, तो वो मेरे थोड़ा अजीब लगता था स्कूल टाइम, बट स्कूल टाइम फन था। अब स्कूल के बाद आते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, अब थोड़ी लाइफ चेंज हो रही थी, अब मुझे अपने आप को थोड़ा सा और यू नो मजबूत बनाना था। मेरे फादर ने सोचा कि लेट्स यू नो ही इज़ अ क्रिएटिव गाय, ही इज़ अ यू नो डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेता है, ड्राइंग अच्छी कर लेता है, मतलब बना लेता है, तो कुछ कराया जाए इसे, तो देन दे थॉट कि इसको एनिमेशन में डाल दिया जाए, मेरे को भी एनिमेशन में डाल दिया। थैंकफुली दैट वाज़ ऑन ग्राउंड फ्लोर, एंड वहाँ पे मैंने अपना शुरुआत करी एक डिप्लोमा कोर्स की एनिमेशन की, देन ऐसे करते वहाँ पे करा। बट अगेन उसी बीच दौरान फिर मेरी ग्रेजुएशन भी हुई, एंड आते आते 2010 हो गए थे, देन मेरी लाइफ का एक सैड पार्ट और जो एक मेरे लाइफ का चैप्टर था दैट actually shook me really hard. मेरे फादर एक्सपायर हुए जुलाई में, तो वहाँ पर अपने आप को एक यू नो सोसाइटी के आगे बहुत यू नो एक आई डोंट नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बट अपने आप को बहुत अकेला फील किया। फैमिली थी, सिस्टर्स थी, मदर थी, बट फादर फादर होता है, आप कुछ भी कर लीजिए, एक सपोर्ट, एक यू नो आपकी मदर एक यू नो आपको प्रोटेक्टिव है, तो फादर आपका एक पिलर है, वो मेरी लाइफ का पिलर हट चुका था मेरी लाइफ से 2010 में। रिश्तेदार आते थे, सब आते थे यहीं पे आके यू नो बोलना, अब इसे कौन करेगा, अभी कैसे करे, खोगा इसका, बेड पे ही दे रहते ना ये, तो क्योंकि मैं बेड पे ही रहता था, क्योंकि मेरा कभी भी बचपन से भी फैमिली सिर्फ कजन थे एंड मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स तो रहे ही नहीं कभी भी, क्योंकि उन लोगों को बाहर खेलना होता था, आई एम अ इंडोर पर्सन, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सिर्फ मेरे टीवी था, मेरा यू नो मेरा कंप्यूटर था, या मैं था अपने आप के लिए, या फिर मेरा म्यूज़िक था, ये 3 चीज़ें मेरी थी, बेड पे रहता था। धीरे धीरे करके अपनी फिर एजुकेशन जो मैंने डिप्लोमा कोर्स किया उसको कंप्लीट करा जैसे तैसे करके, बट लाइफ स्मूथ नहीं रही उसके बाद, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर मेरी मदर ने सोचा कि यार अगर ये ऐसी बेड पे रहा तो इसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ये 4 दीवारी तो इसको खा जाएंगी। देन वी डिसाइडेड इन 2011 डिसाइड करा कि लेट्स बाय अबाउ ईच, थोड़ा तो बाहर तो निकलेगा,
फिर मैं वहाँ से थोड़ा मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। जो मैं इंट्रोवर्ट था ना बुरी तरह से, जो अपने मम्मी पापा के अलावा कोई और दुनिया नहीं देखता था, मैंने दुनिया एक्सप्लोर करी। क्योंकि शुरू के 20-21 साल तो मैं अपने घर पे ही रहा, मैं कहीं बाहर नहीं निकला। मैं बाहर निकला 2011 में, जब मुझे क्रूअल वर्ल्ड फेस करना पड़ा, जहाँ पे मुझे समझ आया कि लोग कैसे होते, जहाँ पे मुझे समझ आया कि लाइफ कैसी होती है, जहाँ पे मुझे समझ आया कि लोग आप किसी के साथ सिंपथी करते हैं या एम्पथी करते हैं या यू नो करते क्या हैं। जगह जगह जाके इंटरव्यूज देना, अकेले जाना, क्योंकि आपकी तो सबके पास तो टाइम नहीं है आपके कोई लेके जाए। जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ का कमांड लिया अपने हाथों में, मेट्रो में गया, है ना, गया इंटरव्यूज़ के लिए, वहाँ पे लोगों ने बस देखा ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब उनको ना वो एक अजीब सा उनका लुक जो मेरे पे था, यार इसको तो हाथ भी सीधे नहीं है, लिखता कैसे होगा यार इसके, तो मतलब हमारे लिए तो बड़ा, ये तो भारी हो गया। अगेन द सोसाइटी हाउ दे ट्रीट्स यू, यार ये तो भारी हो गया हमारे लिए, कैसे करेगा ये। तो कहीं ना कहीं से तो इसलिए रिजेक्ट हो जाता था कि कैसे होगा इसका, कौन करेगा, यू नो लाइक कर भी पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा ये। फिर कहीं ऐसे ऑफिसेस गया जहाँ पे लिफ्ट थी नहीं, जहाँ थी वहाँ पे सीढ़ियाँ कम से कम 7-8 चढ़ना मुश्किल हो जाना, हर रोज़ कोई नहीं कर पाएगा। कहीं प्रॉब्लम वॉशरूम की आती कि भाई सुबह से शाम तक बैठना है, कैसे करेगा, कैसे मैं वॉशरूम जाऊंगा, जैसे नेचर कॉल वो किसी के साथ हो सकता है, वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं थे, इतने इतने वॉशरूम यू नो डोर्स थे एंड अंदर घुसना वॉर अनदर टास्क। तो देन आई थॉट कि ये भी नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ डिज़ाइनिंग का। मैंने अपना बिजनेस करा बट मुझे उसमें भी कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। बट ये था कि मैं अपना टाइम व्यतीत करता था अपने डिज़ाइनिंग में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में, यू नो कंप्यूटर के आगे सारा सारा दिन या कुछ ना कुछ ऐसे एक्सप्लोर करना देखना, बट नहीं हुआ। बीमार भी पड़ गया उस दौरान, मैं काफ़ी बीमार पड़ा, घर पे रहा, क्योंकि घर पे रहना सारा सारा दिन आपको यू नो कहीं जाना नहीं, तो ऐसे ऐसे मैं वो जो मेरा 2011 के बाद जो फेज था वो स्ट्रगलिंग फेज भी था एंड थोड़ा बीमारी वगैरह फेज भी था, मैं बीमार पड़ गया। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हुआ। फिर ऐसे ऐसे करते करते मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी समय उस चीज़ में सोच में बिता दिया कि अब मैं क्या करूँगा। देन लेट्स कम बैक टू 2018 ऑनवर्ड्स, फिर वहाँ से फिर मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने लग गया। क्योंकि वो एक पार्ट था जब सोशल मीडिया अपने चरम पे था, अपने यू नो स्टार्टिंग पॉइंट पे था, कि कुछ सोशल मीडिया का पे कुछ वीडियोस आने शुरू हो गए लोगों के, कंटेंट क्रिएशन के नाम की चीज़ शुरू हो गई। धीरे धीरे मैंने वो एक्सप्लोर करा, समझ आया कि क्या करते हैं कैसे करते हैं। 2019 आते आते आई स्टार्टेड यू नो क्रिएटिंग मीम्स मिड में, एंड मिड में मैंने अपने आप को एक मीम बनाया, अपने आप पे बनाने शुरू कर दिए कि मैं अच्छा फ़नी हूँ, क्या मैं लोगों को हंसा सकता हूँ। लोगों का रिएक्शन था हाँ ठीक है कर सकता है। फिर मैंने वहाँ पे मीम जाने शुरू करे धीरे धीरे उस पेज पे, एंड धीरे धीरे उस दौरान ही मैंने यू नो 2017-18 में ही मैंने अपने आप को एक व्लॉगर की तरह निकालना शुरू करा कि मैं व्लॉगर आउट हूँ जो फूड व्लॉग करता है जा जा के जगह। थैंकफुली पीपल आर वर गुड दैट दे गेव मी अपॉर्चुनिटी टू उनके यहाँ पे आके आप फूड रिव्यू कर सकते हो। देन एक काफ़ी रिनाउंड फूड ब्लॉगर ने बोला कि पुलकित आई थिंक यू शुड मूव, है ना, फूड ब्लॉगिंग ना करो बिकॉज आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप कहाँ गलियों में जाओगे, तो इट्स बेटर आप कुछ और सोचो, यू आर गुड बट थोड़ा सा अच्छा। तो देन फिर मैं जंप करा इस चीज़ पे, फिर मैं वीडियोज़ बनानी शुरू करी, धीरे धीरे मैंने वीडियोज़ बनाई एंड लोगों को मैंने अपना शोकेस करा वीडियोज़ में, अपनी एडिटिंग स्किल आती थी क्योंकि एनिमेशन कर रखी थी, वो कहीं ना कहीं यूज़ होनी थी, तो मैंने अपना वहाँ पे वीडियो बनानी शुरू करी। लाइक कुछ कुछ स्केचेस जैसे भुवन करते थे वैसे ही मैंने करना शुरू करा, स्केच बनाने शुरू करे, अलग अलग करेक्टर करने शुरू करे। वहाँ पे फिर मैंने शुरुआत कर दी थी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, बींग एन पुलकित, RJD बना था, पुलकित था मैं उस वक्त, सिर्फ पुलकित जो एक कॉन्टेंट क्रिएटर है। फिर वहाँ से मैंने करना शुरू करा, धीरे धीरे लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, फिर लोग देखते गए। एक दिन फिर 2019 में ही स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ
content creators like Kusha, Kusha Kapila, then she saw, you know, like मैं उनको कभी, you know, like I was always feel कि यार ये कितनी मेहनत करती है अपने content में. मैं हमेशा उनके comment में अपने बारे में बताया करता था उनको, उनको अपने content के बारे में बताया करता था कि please visit my page, देखो आप, you know, मैं भी ऐसा करता हूँ. She found me so good. उन्होंने फिर मुझे वहीं से फॉलो करना शुरू करा. उन्होंने मुझे देखा. बिलीव मी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अगर कोई सपोर्ट रहा है तो वो कुशा रही हैं. मैं ऑन कैमरा कहता हूँ थैंक यू फॉर यू नो बीइंग यू. फिर उसी दौरान मुझे जब मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, जब मैंने लोगों को इनवाइट करना शुरू करा अपने पॉडकास्ट से, मेरे पॉडकास्ट का नाम है माई टॉपिकलेस चपरी. फिर उसके अच्छे मेरे को रिएक्शन मिलने शुरू हो गए लोगों से. मैंने लोगों को बुलाना शुरू करा, अपनी जर्नी शुरू करी. वहाँ पर मैंने पॉडकास्ट से अपनी जर्नी बताई. उसी दौरान जब मैंने इसके बारे में बताया, तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. एक रेडियो स्टेशन है रेडियो डान, वहाँ पे मैंने अपना छोटा सा ऑडिशन दिया था. तो बट समहाउ बिकॉज मैंने पंडामिक में काफ़ी सारे ऑनलाइन शो भी होस्ट करे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देख लिया था. तो थैंकफुली वहाँ पे मुझे जब उन्होंने वो चीज़ देखी कि यार ये तो शो भी होस्ट कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो इसको भी एक शो दे देते हैं. वहाँ से फिर उन्होंने मुझे एक रेडियो शो पे, रेडियो स्टेशन जो एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन था, उन्होंने वहाँ पे मुझे एक स्लॉट दिया. जब मैंने वो शुरुआत करी, जब मैंने देखा कि यार मैं कंटेंट भी दे रहा हूँ, मैं रेडियो भी कर रहा हूँ एज वेल एज पॉडकास्टिंग भी कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा था, तो वहाँ से धीरे 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 मैं उन्होंने पुश करना शुरू करा और मोर बोलकर, ताकि लोग आपको देखें. तो मेरा पॉडकास्ट भी अच्छा चलना शुरू हो गया, मेरा रेडियो कंटेंट भी लाइक अच्छा चलना शुरू हो गया. देन 2021-22 दो तीन साल तो मैंने इस चीज़ में अपने लगाए. तो आज से एक साल पहले फिर मैंने सोचा कि चलो यार इतना कंटेंट बना दिया, सब कुछ कर दिया, सब कर रहे हो, अब इसके बाद क्या करना चाहते हो कि आपको लोग और जाने. तो धीरे धीरे मैं सोचा कि यार बचपन में मैं काफ़ी, यू नो, आई वॉज वेरी नॉट शाई बट इंट्रोवर्ट तो था ही, बट घर पे अपने नो लाइक दरवाजे बंद करके फुल वॉल्यूम पे गाने ऑन करके आई यूज टू डांस ऑन माई यू नो बेड. मैं डांस करा करता था, उनको लगता था गाने सुनते, बट आई यूज टू डांस. फिर मैंने वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर मैंने अपनी ना द बॉय एंड बैड फिल्म पे डालना शुरू करा. फिर वन ऑफ माई फ्रेंड यू नो सजेस्टेड मी कि पुलकित आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर ओन द बॉय ऑन बैड मूवी से हट जाओ और कोई एक नया पेज शुरू करो अलग सा. मैंने कहा यार जीरो से शुरू करना है, फिर रीस्टार्ट करना है. कहती हाँ करो, आई थिंक शायद आपका पेज चल जाएगा. बट शायद ही था, कॉन्फिडेंट तो मैं तब भी नहीं था. बट वहाँ से मैंने अपना एक अलग से पेज शुरू किया, दैट वॉज कॉल्ड बैड बॉय डांस ऑन व्हील. धीरे 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 हर रोज एवरी डे विदाउट एनी फेलिंग, विदाउट एनी स्टॉपिंग एंड विदाउट एनी टेकिंग अ ब्रेक, आई यूज टू पोस्ट वीडियो ऑन दैट इंस्टाग्राम पेज. मेरे वो लाइफ चेंजिंग इसलिए हुआ क्योंकि धीरे से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे फॉलोअर्स आ रहे थे, बट इतना नहीं जा रहा था. देन बादशाह सॉ मी, क्योंकि मैंने उनके एक सॉन्ग पे यू नो परफॉर्म किया था, दैट वॉज सनक सॉन्ग, उसमें मैंने परफॉर्म किया था. एंड दैट जब उन्होंने वो देखा, दैट ही शेयर्ड ऑन हिज यू नो प्रोफाइल, फिर वो तो एक अपनी लाइफ में मेरा सिक्सर था. हिंदुस्तान टाइम्स में वहाँ से मुझे अपना फर्स्ट यू नो लाइक जिंदगी का पहला मेरा अपना एक आर्टिकल मेरे बारे में और मेरे पेज के बारे में और मेरे डांसिंग के बारे में वहाँ पे आया. एंड या दैट वाज अनदर यू नो स्टोरी. फिर सितंबर आते आते गणेश चतुर्थी थी, वहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने वीडियो एक डाल दी यू नो गणेश जी पे. बिलीव मी आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड एंड व्हाट रियली वेंट, वो एक वीडियो पे मेरे कम से कम नाना करते करते कुछ अभी तक अभी ऑन द डेट 3.3 मिलियन आ गई. वहाँ पे मैंने अपने डांस और यू नो पंजाबी भांगड़ा भी मैंने पोस्ट करना शुरू करा. वहाँ पे भी उस वाले पे भी 2.3 या 2 समथिंग मोर देन 2 मिलियन मतलब हिट उस पे भी आ गई. तो ये सारी जर्नी जो मैंने अभी तक करी है ना, और प्लस मेरा वो देखकर सारा मेरा काम देखकर, मेरा बैकग्राउंड देखकर, आई रिसेंटली अभी मैंने नवंबर में 2023 में ही आई रिसेंटली वॉन माई रेक्स करमवीर चक्र यूनाइटेड नेशन अवार्ड
जो एक मेरा ब्रोंज था वो मेरा यहाँ पे लगा, और मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि मैंने इतनी लंबी जर्नी मैंने यू नो करी है, और मैं उसको यू नो एज अ प्राउड अपने यू नो दिल के पास यहाँ पे मैंने वो लगाया उन लोगों ने मेरा यहाँ पे, और उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, यू नो लाइक आई अचीव्ड। मेरी लाइफ में चाहे मैंने इतने चाहे पैसे ना कमाए हों, पर मैंने इतना प्यार बहुत कमाया ना सोशल मीडिया पे और लोगों से, और मुझे खाने पीने कभी को मना नहीं करता, बट इससे ये जुड़ी हुई चीज़ है कि मुझे बाय सोसाइटी काफ़ी इस चीज़ के लिए कभी कभार मुझे टोक दिया जाता था। सो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या खाने पीने के लिए टोका जाता है बींग अ डिसेबल, तो जी हाँ टोका जाता है, क्योंकि जब आप टीनेज में होते हैं, टीनेज में आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट ठीक ठाक रहेगा, अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करेंगे, आपकी कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं होती तो आपका वेट बढ़ता है। तो आई वॉज क्वाइट फ्लफी, अभी भी हूँ नई बात नहीं है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, अच्छा खासा मैं मोटा खासा था, मतलब मेरे को उठाने के लिए यू नो बोला जाता था कि अगर इसको उठाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, आसानी से मुझे कोई उठा नहीं जाता, अरे बड़ा भारी है आपका, बड़ा भारी हो गया है, बड़ा भारी हो गया है, हर कोई मुँह से निकल ही जाता था कि अरे तुम्हें बड़ा भारी हो गया है, कम खाया कर। तो इवन कभी कभार मुझे ऐसा भी लगता था कि अगर कोई मुझे खाना दे भी रहा है तो अगर मैं एक या दो रोटी एक्स्ट्रा मांग लेता था तो मुझे कहीं ना कहीं टोक दिया जाता था कि कम खाया कर, तू बहुत ज़्यादा खाता है, ओवर ईट कर लेता है, कम खाया कर। तो यार ये मिसकंसेप्शन उस टाइम भी थे, आज भी हैं, कि ज़्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी रोटी सब्जी जो नॉर्मल घर का खाना होता है कभी उतना दिक्कत देता है, बट मुझे जो टोका जाता था तो उस वजह से ये हुआ कि आई स्टार्टेड ईटिंग लेस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब मुझे जब मैं चार रोटी खाता था तो मैं चार से तीन पे आया, तीन से अब मैं दो पर हूँ, और अब ये हालत हो गई है कि अपना वेट अगर मेंटेन करना है तो आई स्टार्टेड ईटिंग समटाइम, मैं रात को एक रोटी खा के भी ठीक और सब्जियाँ वब्जियाँ दाल लेके खा के भी ठीक रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बट हाँ ये अभी भी अगर आप ऑनलाइन अगर जाएं सोशल मीडिया पे, अगर आपको मोटा देख लेते हैं बियॉन्ड वील चेयर, तो आपको नीचे बॉडी शेमिंग जो आजकल बहुत आराम से होती है नीचे लिख दिया जाता है, अरे मोटे जिम जाके आ, अरे मोटे कम खाया कर, अरे मोटे गिर जाएगा फट जाएगा। तो दीज आर द काइंड ऑफ कमेंट्स विच आर वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप नॉर्मल किसी के कज़न हो, या आप किसी के यू नो कुछ भी हो, तो ये नॉर्मल जो कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे बॉडी शेमिंग के, चाहे आप एबल भी हो चाहे डिसेबल भी हो, आपको लोग करेंगे ही करेंगे। यार जो मुझे वहाँ पर आप देख रहे हो ना, इफ़ यू आर ऑन व्हील चेयर, इफ़ यू आर ऑन क्रचेस, आप जो भी सिचुएशन में हो, एबल भी चलो देख सुन लो, बट जो डिसेबिलिटी से फेस कर रहे हैं जो लोग जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि सर मैडम, इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया देन प्लीज़ आप अपने आप को लेकर आएँ और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे है ना अपने वो कंफर्ट जोन से, जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे कि आप क्या हो, आप क्यों डिज़र्व करते हो, क्यों आप डिज़र्व करते हो कि एक बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, क्यों आप डिज़र्व करते हो, व्हाई यू डिज़र्व टू बी यू नो अ किंग अ क्वीन, व्हाई क्यों आप अपनी ये चेयर को एज अ थ्रोन समझते हो, व्हाई, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ यू नो जुड़ना पड़ेगा। या मैं इतनी I'm so happy sometimes कि मैं जब अमेरिकन लोगों को देखता हूँ ना, अब आप कहोगे बहुत फॉरेन जा रहे हैं, बट हाँ मेरी प्रेरणा वहीं से आती है, वहीं से आई है तभी मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। जब मैं उन फॉरेन लोगों को देखता हूँ ना, जब मैं उन फिरंगियों को देखता हूँ, when I see that those people when they dance on wheelchair, when they talk about their disability, when they talk about their insecurities on social media, on the camera, I feel so good कि यार इतना कुछ कर रहे हैं, वो टेलीविज़न में आ रहे हैं, मूवीज में आ रहे हैं, तो यार इसमें कोई ऐसी शाय वाली बात नहीं है। एंड आई थिंक
अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले ना, मैं तो ग्रैब करूंगा। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज सोचते हैं कि व्हीलचेयर पे बैठ के सिंपथी गेन कर रहे हैं, नो, आई एम नॉट गेनिंग सिंपथी, आई एम एम्पावरिंग दोज पीपल हु नीड मी, दैट्स इट। मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, प्लीज कम आउट, बाहर निकलो एंड लोगों को भी दिखाओ कि यार यू आर टैलेंटेड, मेरे में है तो मेरा दिख रहा है। आप जब तक उस चीज़ को निखारोगे नहीं ना, दिखाओगे नहीं लोगों को, तब तक कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। हेटर्स भी तभी नहीं मिलेंगे, हेटर्स भी तभी मिलेंगे जब आप में अंदर टैलेंट होगा, ये मेरा सोचना है। तो भाई ये आप पे ऊपर है कि आप वहाँ पे मेरे को देख कर इंस्पायर होना चाहते हो, ये आप कुछ करके लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप वो सुन रहे हैं, आई नो ट्रोलर्स होंगे, आई नो आपको ट्रोलिंग होगी, आई नो आपको बहुत बुरा भला बोला जाएगा, बट बिलीव मी, वंस यू बिलीव इन योरसेल्फ ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, यू आर जस्ट फायर बॉल, बिलीव मी। शुरू हो जाओ, करो, जस्ट पुश योरसेल्फ मोर हार्डर। हर दिन यू नो नया है, चैलेंजेस भी नए हैं, बट द मोर यू पुश योरसेल्फ ना, देयर इज नो लुकिंग बैक। एक अरिजीत सिंह की बहुत फेमस लाइन है और वो एक सॉन्ग है, एक लाइन वो है उस सॉन्ग की, एजल मिश्री की, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, आपकी मंजिल चाहे जैसी भी हो पर आपका सफ़र अच्छा होना चाहिए, तभी आपके दिल को तसल्ली मिलती है। तो ये तसल्ली मेरे में है, मैं बस जाते जाते यही बोलता हूँ हर किसी को, ध्यान रखना एंड दुआ में रखना, टेक केयर।